स्वागत है आप सभी का समाचार टाइम 24 में। मैं हूं आपके साथ ईशा त्रिखा। आज हम बात करेंगे एक हत्यारन बेटी की जिसने अपने प्यार की खातिर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। कल ग्रेटर नोएडा के बम्बावड़ गांव में रहने वाले 46 वर्षीय वेद प्रकाश का मसूरी गंगा नहर से शव बरामद हुआ। परिवार के 3 अन्य सदस्य जिनमें वेद प्रकाश की पत्नी उपलेश, बेटी कोमल, बेटा राहुल भी लापता है। इस घटना पर मृतक वेद प्रकाश के घर के सदस्यों ने बयान दिया है कि यह सभी 1 अगस्त से लापता है। उनका कहना है कि वेद प्रकाश, उपलेश, कोमल, राहुल और उनके परिवार का एक मित्र प्रमोद शर्मा 1 अगस्त को वेद प्रकाश की बीमारी के इलाज के लिए बुलंदशहर के किसी तांत्रिक के पास उसके उपाय के लिए गए थे। घर पर रुके वेद प्रकाश के बाकी के 3 बच्चे दीपक, स्वाति और कशिश का कहना है कि उनके माता पिता, भाई बहन और पिता के दोस्त प्रमोद शर्मा 1 अगस्त को नोएडा अपने घर से मारुति एल्टो में बुलंदशहर के एक तांत्रिक से मिलने गए थे, पर जब वह अगले दिन तक घर वापस नहीं लौटे और उन्हें संपर्क करने में भी असफल रहे तो बच्चों ने अपने चाचा ओम प्रकाश को इसके बारे में बताया और फिर बादलपुर पुलिस थाने में जाकर इसकी कंप्लेंट जमा कराई। वही इस घटना को लेकर वेद प्रकाश के भाई ने चौंका देने वाला बयान दिया है। आइए आपको बताते हैं, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। वेद प्रकाश के भाई ओम प्रकाश ने जो बयान दिए हैं, उसके मुताबिक वेद प्रकाश पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहा था, जिस कारण वह दवाई, गोली और डॉक्टरों की सहायता से किसी भी तरह का फायदा न होने पर काफी परेशान हो चुका था और जिसके लिए वेद प्रकाश के दोस्त प्रमोद ने उन्हें बुलंदशहर के किसी नामी तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार कर लिया। प्रमोद इसके लिए वेद प्रकाश को समय समय पर उस तांत्रिक के पास ले जाता रहता था। ऐसे ही 1 अगस्त को प्रमोद वेद प्रकाश और उनके परिवार को अपनी मारुति एल्टो में बुलंदशहर के लिए ले गया था। ओम प्रकाश का यह भी कहना है कि प्रमोद का वेद प्रकाश की बेटी कोमल के साथ चक्कर चल रहा था और इस सब के पीछे उसी का हाथ है। उनके मुताबिक प्रमोद की बम्बावड़ में पिछले 10 साल से बिजली की दुकान है और उसी ने वेद प्रकाश की बड़ी लड़की कोमल को अपने प्यार के जाल में फंसा कर इस साजिश को बनाया और कोमल के साथ मिलकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। तांत्रिक के कुछ रोल में हैं। ये 1 तारीख से कौन है प्रमोद शर्मा या हसन ये दरअसल में क्या गांव में हमारे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करते हैं, हसनपुर गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद में जैसे गांव में सब लोगों से आपस में मेलजोल हो जाता है, उसी प्रकार से इन्हें थोड़ी कुछ दिन से घर में प्रॉब्लम चल रही थी किसी प्रकार की। कभी घर में आग लग जाना, कभी कुछ दिक्कत आ जानी, कभी कहीं कोई सामान मिलना घर में, उल्टी सीधी चीजें ऐसे घर में मिलती थी। उन्होंने उनके टच में वो आ गए, उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज कराऊंगा। पुलिस ने क्या कहकर भीड़ को शांत किया, बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद।